आज कश्मीर क्राउन पर जिस जो तहरीक हमने चलाई है उसका ये मकसद है कि जनाब सुकून खुलने चाहिए। हमने इस जिमन में तमाम लोगों से बात की, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर है या नहीं है। मैं पिछले 50-60 साल से इस एजुकेशन में काम कर रहा हूँ और आज मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारी नस्ल के साथ और कोई इनका पुरसान हाल नहीं। मानते हैं हम सर के थर्ड वेव कोरोना जो है वो बिल्कुल आई हुई है, इसे हमें एहतियात करनी है और बचना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सर ये कहूँगा कि हमारे जो स्कूल हैं, तालीमी इदारे हैं, अकेडमियाँ हैं, वो अरसा 2 साल से बल्कि 2.5 साल से बंद पड़ी। गुजारिश है कि कोविड की फर्स्ट वेव सेकंड वेव चली तो उसमें भी कोई संजीदगी नहीं लीगी, तो यहाँ 2 साल से स्कूल जो है वो बंद है। बच्चों का नुकसान हुआ कि पिछले 2 साल से स्कूल टोटली नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं। स्कूल खुलने चाहिए, हम तो गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं स्कूल खुलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज कश्मीर क्राउन पर जिस जो तहरीक हमने चलाई है उसका ये मकसद है कि जनाब स्कूल खुलने चाहिए। हमने इस ज़िमन में तमाम लोगों से बात की, हर उस तबके से बात की, चाहे वो सियासी है, समाजी है, किसी भी तबके से वो जो उस शख्स का जो रابطہ था हमने उससे बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर है या नहीं है। क्या जिस तरीके से स्कूल बंद हैं, क्या ये जो स्कूल बंद हैं कहीं ना कहीं नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जिस तरीके से स्कूल जो हैं वो बंद रखे गए हैं और बाकी तमाम इदारे जो हैं वो खुले हैं। अगर हम सियासी इदारों की बात करें तो हर जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, कंपेनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन मास वाइज के स्कूल जो हैं इसको बंद रखा गया है। आज हमारे साथ अब्दुल गनी शाल साहब जो रिटायर्ड टीचर भी हैं, उस्तादों के उस्ताद भी हैं ये, और काफ़ी सारे जो IAS IPS इनके हाथों से निकले, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जनाब आप बताएंगे हमें, मास्टर साहब आप बताएंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से स्कूल बंद रखे गए हैं और एक कोविड जिस तरीके से एक महामारी, लेकिन आज तो वैक्सीनेशन है, हर तरीके की तदाबीर है, आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें राहिल भाई आपको मैं ये यकीन दिलवाता हूँ कि मौजूदा सरकार जो है, खासकर LG मनोज सिन्हा जी, हिज एक्सीलेंसी, वो बड़ी निगाहें रखे हुए हैं इस चीज़ पे, इस इशू पे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ हमारे नौजवान बच्चे स्कूलों में ना जाने का कोविड की वजह से, ये सारा इशू जो है ये कोविड की वजह से है, लेकिन ये भी साथ साथ में है कि आज पूरे देश के अंदर वैक्सीन पहुँच चुकी है, गाँव में पहुँच चुकी है, पहाड़ों तक पहुँच चुकी है, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये स्कूल ज़्यादा देर तक बंद रह सकते हैं। इस पर हमारे मनोज सिन्हा जी पूरी नज़र रखे हुए हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, इसमें महकमा तालीम के जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनके साथ मिल के एक एक्सरसाइज किया जा रहा है। ये ठीक है कि हमारे बच्चों का तालीमी तौर पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है, इसमें मानसिक बीमारी भी उनको देखने को मिल रही है, माँ बाप भी इसके लिए परेशान है, स्कूल के उस्तादा भी परेशान है। अब एक उस्ताद जो लाख रुपया या 70,000 या 80,000 रुपया पे ले रहा है वो बेकार घर में बैठा है, तो मैं यही गुजारिश करूंगा और आपसे आपको ये यकीन दिलवाना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में जो हिंदुस्तान के अंदर और हमारी स्टेट के अंदर जो चल रही है, तो इस पर बहुत ही जल्दी कोई एक्सरसाइज किया जा रहा है और वी आर वेरी मच होपफुल कि ये बहुत जल्दी एक फैसला लिया जाएगा और स्कूल जो है रीओपन हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि ये नस्लों को जो है वो तबाह हो गई हैं नस्लें, कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से, मैं ये कहूँगा एक धोखा है, क्योंकि हमारे यहाँ देहातों में 90% ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि उन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सरकार के पास क्या है? इसमें यह है कि ये ठीक है कि तालीम एक ऐसा जेवर है जो किसी कौम की अच्छाई के लिए, जिस मुल्क की अच्छाई के लिए चलता है, वाहिद ये एक ऐसा अदारा है, लेकिन पहले तो ज़रूरी था राहिल भाई के बच्चों की जान को बचाया था, क्योंकि महामारी तो वैक्सीनेशन आ गई, अब तो सियासी जो दंगल है वो चल रहा है, लेकिन स्कूल बंद। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अब वैक्सीन जो है जगह जगह पर पहुँची है, हर जगह पर पहुँची है, और इस पर हमारे LG मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जो उन्होंने ऑलरेडी इस मामले को, इस इशू को टेकअप किया हुआ है, इस पर वो जल्दी से जल्दी कोई फैसला लें। शुक्रिया, बिल्कुल। आप इन तमाम लोगों को सुन रहे थे जो
पूरे यूटी जम्मू कश्मीर से अलग अलग जगहों से हमने आपको लोगों के जो राय है वो बताई है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं कि भाई स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में माँ बाप को तंग भी कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा नुकसान उनके मुस्तकबिल का है, जहाँ पर उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। और यही एक मात्र जो है वो सोल्यूशन है, एक वाइज सोल्यूशन यही है कि जनाब जल्द से जल्द जो है वो स्कूल खोला जाए। बिल्कुल मैं ये बताता चलूँ आपको कि दो साल से जो तालीमी इदारे जो बंद हैं, कहीं ना कहीं हमारी नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्लीज़ आप भी इस तहरीक में शामिल हो जाएं और स्कूल ओपन होने के लिए आप अपनी आवाज़ भी बुलंद करें। जिस तरीके से आज कश्मीर क्राउन ने एक तहरीक चलाई है कि जनाब स्कूल ओपन होने चाहिए, आप भी इस तहरीक का एक हिस्सा बने। इसे हमारे साथ आज बात करने के लिए जो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सबका सदर भी हैं खुर्शीद बिस्मिल साहब, जिनको हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर हमेशा आए दिन स्कूल खोलने के हवाले से जो है वो बड़े एक्टिव रहते हैं, और ये भी देखा गया कि वालदैन के साथ इनका डायरेक्ट लिंक्स जो हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट में दिखाया और कितने लोगों ने क्या कुछ कहा, ये पूरे खिता चनाब से अगर देखें, खिता पीर पंजाल से अगर आप देखें, तो लोग कितने परेशान हैं इस बात को लेकर कि आखिर स्कूल क्यों बंद हैं। अगर तमाम इदारे खोले जाते, अगर मैं ये कहूँ कि सियासी दंगल चल रहा है तो स्कूल क्यों बंद है। लेकिन हमारे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम खुर्शीद बिस्मिल साहब जम्मू कश्मीर की एक जानी मानी हस्ती भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये चल क्या रहा है, आखिर ये आने वाली नस्लों की नस्ल कशी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। सर खैर मकदम है आपका कश्मीर क्राउन पे, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा सवाल या निशान अगर हम देखें अवाम पे भी है, वालदैन पे भी है, उसातिज़ा पे भी है और हम नौजवानों पे भी है कि तालीमी इदारे बंद हैं लेकिन बाकी तमाम एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सर देखिए राहिल, आपका बड़ा एहसान है एजुकेशन के हवाले से कि आपने ये मूव लिया है और लोगों से इस बारे में राय उनकी तलब कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि एक बहुत बड़ी डिवास्टेशन जो है एजुकेशनल हुई है और हमारी नस्लों को बड़ा धक्का पहुंच गया है। आप देखिए दो साल जो बच्चे तालीम से बिल्कुल कटे हुए हैं, आज उनको स्कूल का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, कागज़ कलम पेन उस्ताद वर्दी स्कूल टाइमिंग अच्छे आदात सुबह प्रेयर ये सारी ज़िंदगी के बनाने के मंसूबे होते हैं, ये सारा काट लिया आपने और बच्चों को मजबूर कर दिया है गली कूचों में फिरने के लिए, दरबदर होने के लिए। मैं पिछले 50-60 साल से इस एजुकेशन में काम कर रहा हूँ और आज मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारी नस्ल के साथ और कोई इनका पुरसान हाल नहीं, और हुकूमत 2-3 लोगों के साथ मशवरा करती है और डेडलॉक जो है हर बार जो है लॉकडाउन जो है वो बढ़ाती रहती है। सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या कहीं ना कहीं ये एक सियासी साजिश है हमारे जम्मू कश्मीर को या हमारी जो नस्लें हैं उनको तबाह बर्बाद करने की? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, आलमी तौर पर एक वबा थी कोरोना और उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये मैनेजेबल हो गई है। हमारा मुल्क तो इसमें बहुत आगे चला गया, वैक्सीनेशन हुई है और उसके बाद बड़ी हमारी हेल्थ सर्विसेज बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, अब ये मैनेजेबल है। अब सवाल पैदा होता है, अब ये देखना है कि हम बच्चों को स्कूल में लाकर उनको कोविड के जितने भी SOPs हैं वो सिखा सकते हैं, उनको डिस्टेंस सिखा सकते हैं, उनको सफाई सुथराई सिखा सकते हैं, ये कौन सा तुक है कि उनको आपने मजबूर कर दिया कि भाई घर में बैठो और खाक में खेलो, घर में कौन उनको मैनेज कर सकता है? स्कूल आपने बंद करा दिए और उसके साथ इतनी डिवास्टेशन पैदा कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट आपने पैदा कर दी, बच्चों को पागल कर दिया, वालदैन को पागल कर दिया, इसमें तो कोई तुक ही नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या अगर हम कहें ड्रग्स की तरफ बच्चों को ले जाने के लिए एक अहम रोल इस वबा ने भी किया है, और ख़ासकर जिस तरीके से हमारी नाअहली, समाज की नाअहली है, स्कूल बंद है, कहीं ना कहीं ड्रग्स को हम खुद खींच के अपनी नस्लों में ला रहे हैं? आप बिल्कुल सोफ से दुरुस्त कह रहे हैं, ड्रग्स की प्रॉब्लम पहले ही थी लेकिन इस ये जो कोविड के हवाले से लॉकडाउन किया गया है ये मल्टीप्लाई हुई है। हमने इससे पहले भी, मैंने खुद, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस अपने खिताए पीर पंजाल के नाम से, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बाज़ाब्ता ये आपसे सेंटर बनाए जाएं जहां पर इनकी रिहैबिलिटेशन की जाए जो ड्रगिस्ट हैं, और ये बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, और अगर ये उसी तरह से लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहा तो यहां पर तो सिर्फ आपको हर गली कूचे में ड्रगिस्ट ही मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस लॉकडाउन ने, अननेसेसरी लॉकडाउन ने इस बीमारी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। जिस तरीके से सिर्फ स्कूलों को बंद रखा गया, आप देखें कि जिस तरीके से सियासी जो मजलिसें हैं
वहाँ पर तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। हमने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब यहाँ पर आए या और दीगर कोई भी सियासी जमात आप ले लें, यहाँ पर दौरे होते रहे, वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन सिर्फ स्कूलों के अंदर ही प्रोटोकॉल क्यों? नहीं यार अच्छे बयान, देखिए हमारे मस्जिदों में इज्तिमा हो रहे हैं, हमारे मंदिरों में इज्तिमा हो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, सियासी दंगल तो आप रोज़ाना देखते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, बाज़ारों में हजूम है, रेलवे स्टेशनों पर हजूम है, अस्पतालों में हजूम है, सब हजूम चल रहे हैं, सिर्फ तालीम को बंद किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही किसी ने गलत एडवाइस किया है हमारी गवर्नमेंट को, और जो भी कर रहे हैं इसमें एक बड़ा वर्ल्ड माफिया पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जिनका ख्वाहिश सिर्फ नहीं है मोबाइल को बेच रहे हैं, वो मोबाइल कंपनियां फ्लोरिश हो रही हैं, मोबाइल जो है वो लोगों को कमीशन दिए जा रहे हैं, और इसके बाद ये काम किया जा रहा है कि बच्चों का मुश्किल तबाह किया जा रहा है, बर्बादी। आपको आप कहते हैं ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन 10% बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ही मैच्योर्ड किस्म के बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ते हैं, बाकी तो सब वेस्टेज है, और जो ऑनलाइन में और कचरा है वो आपके बच्चों के जहन को तबाह बर्बाद कर गया है। 24 घंटे बच्चे पड़े हुए हैं मोबाइलों पर, बिस्तरों में पड़े हुए, ना तालीम है, ना किताब है, ना कुछ है, और सिर्फ वाहियात है। हम अपील करेंगे जनाब एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से, मोदी साहब से कि बराए बार मेरे आप जुल्म इतना मजीद मत बढ़ाइए इन बच्चों पर, इस सिलसिले को बंद करिए, बच्चों को स्कूल जाने दीजिए, और प्रॉपर SOPs के साथ हम पूरी तरह से बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी कभी प्रॉब्लम होगी भी, कोविड तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, कभी होगी भी किसी का दुखा केस, तो उनको जैसे SOPs हैं, ट्रीटमेंट है, वो होगा, लेकिन हम ये सारी नस्ल को डुबोते हैं ये नहीं अफोर्डेबल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरीके से कश्मीर क्राउन पर एक तहरीक चलाई जा रही है कि क्या स्कूल खुलने चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आप लोगों की राय हाँ है तो आप भी इस तहरीक में शामिल हो जाएं और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए संजीदगी दिखाएं और संजीदा हो जाएं, ताकि हमारे तालीमी इदारे और वो बच्चों की शोर वाली सुबह को देखने के लिए तमाम जो वालदैन हैं और उसातिज़ा हैं वो तड़प रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को चाहिए कि वही सुबहें हमें फिर नसीब हों, वही बच्चे खिलखिलाते हुए सुबह स्कूल जाते हुए दिखें। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ये जो अपील है, ये जो तहरीक है कश्मीर क्राउन पर कि जनाब स्कूल खुलने चाहिए, इसमें आप शाना बशाना हमारे साथ हैं, आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर का नंबर वन स्कूल जीडी गोइंगा अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोइंगा बारामूला में तशरीफ लाएं। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वंडरफुल जर्नी एंड द कैंपस टूर विद जीडी गोइंगा। I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. Admission ke liye is number pe rabta kare 1800889080. जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रिबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाए, हम हैं आपके मुंतजर। हमारा पता है बिन अली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद बारामूला। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6005149109।